हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट। अभी तक हमने देखा, जब हम मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जनरली मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेट्स डिस्कवर हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन जो अर्थ का टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इस कंडीशन में हमारे पास तीन स्टेट्स काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें आज थर्ड स्टेट के बारे में ज़्यादा इलाबरेट करके पढ़ना है। तो इसमें जो गैसेस स्टेट है, इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारी, गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी है, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। ये फ्लूडिटी रिजिडिटी इन टर्म्स को हम आगे समझेंगे। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर एंड गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली। ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं को हम अच्छे से आप समझेंगे आगे। गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, इसका मतलब है जो गैसेस के पार्टिकल हैं, इनकी कोई खुद की डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ये एक्वायर कर लेते हैं कंटेनर की शेप भी और वॉल्यूम भी, मतलब जिस कंटेनर में जिस चीज़ के अंदर ये हो, तो उसकी ही शेप गैस की शेप हो जाती है, उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बैलून, इनकी ओवल शेप है, तो इनके अंदर जो गैस है उसकी शेप भी हम कहेंगे ओवल। यहाँ पे एक बैलून दिखाया गया है स्टार शेप, स्टार शेप के बैलून में सेम गैस डालने पर उस गैस की शेप भी स्टार शेप हो जाएगी, और बैलून जितना बड़ा होगा वही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। तो इस तरह से गैस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये एक्वायर कर लेता है कंटेनर का ही वॉल्यूम और कंटेनर की ही शेप। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। अब हम इन दो टर्म्स को अच्छे से समझेंगे, फ्लूडिटी को समझेंगे। मान लो हमारे पास कोई चीज़ है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट भी है कोई चीज़, और गैसेस स्टेट भी। इन तीनों स्टेट्स का एक कोई छोटा सा पीस लेंगे हम, तो सॉलिड स्टेट का कोई पीस अगर हम कहीं किसी जगह पे रखेंगे तो वो वहीं पे रहेगा, वो अपनी पोजीशन ऐसे चेंज नहीं करेगा नॉर्मली। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट की कोई चीज़ हम कहीं पे रखें बिना कंटेनर के, तो वो फैलती है, वो चलती है, फ्लो करती है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूडिटी। और इसी तरह अगर गैसेस सबस्टेंस कहीं पे हम रखें तो वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड उससे भी जल्दी फैल जाती है, तो इस फैलने की प्रॉपर्टी या फ्लो करने की प्रॉपर्टी, मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी को हम फ्लूडिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में हार्डली फ्लूडिटी होती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में कोई फ्लूडिटी नहीं पाई जाती है, लिक्विड फ्लो करते हैं और गैसेस सबसे ज़्यादा फ्लूडिटी दिखाते हैं। ये हो गई फ्लूडिटी। अब ये रिजिडिटी क्या है, तो अब इन्हीं तीनों की एग्जांपल लेके हम देखेंगे रिजिडिटी। जो सॉलिड स्टेट होती है वो रिजिड होती है, मतलब अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, हम उसकी शेप को इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक स्टोन ले लो, तो वो एक सॉलिड है, हम उस पर कितना भी प्रेशर लगाएं, कितना भी फोर्स लगाएं, वी कांट चेंज इट्स शेप। तो इसी तरह लिक्विड हम किसी बर्तन में लेंगे, या मान लो किसी बैलून में आपने लिक्विड भर दिया, तो
सॉरी बैलून में नहीं, किसी बर्तन में हमने लिक्विड ले लिया, तो जो उसका वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर लिक्विड लिया हमने, जो उसका वॉल्यूम है, तो हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, कितना भी फोर्स अप्लाई करें, उसका वॉल्यूम हम रिड्यूस नहीं कर सकते। जबकि गैसेस स्टेट जो होती है, फॉर एग्जांपल कोई बैलून में गैस भरी हो, तो उस पर अगर हम हाथ से प्रेशर अप्लाई करें तो वो आसानी से अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी, मतलब सॉलिड पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर नॉट ईजिली चेंज, दे डू नॉट प्रेफर टू चेंज दियर शेप ईजिली। इसी तरह लिक्विड का हम शेप तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम शेप हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से गैसेस हैव लीस्ट रिजिडिटी, सॉलिड से है द हाईएस्ट रिजिडिटी। और अगर हम फ्लूडिटी की बात करें तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, सॉलिड है द लीस्ट फ्लूडिटी और गैसेस है द हाईएस्ट फ्लूडिटी। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि है गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। यहाँ पे हम कंपैरिजन करके इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। हमने यहाँ पे कुछ सिलेंडर लिए हैं सिरिंजेस शेप के, तो इनके जो सामने वाला माउथ है उसको हमने कॉर्क से टाइटली बंद क्लोज किया है, तो और ऊपर से पिस्टन लगा लिया है, पिस्टन या प्लंजर, इस सेम बात होती है। पिस्टन एक कोई भी मूवेबल लिड, किसी सबस्टन किसी कंटेनर का मूवेबल जो मूव कर सकता है, जिसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा ढक्कन, तो इसको पिस्टन या प्लंजर कहते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले सिरिंज में चॉक पाउडर भर दिया है, जो कि सॉलिड है, मतलब हमें कोई भी सॉलिड चीज़ इसमें डालनी है, तो यहाँ पर हमने चॉक पाउडर लिया है। दूसरे में हमने वाटर लिया है और थर्ड में हमने एयर लिया है। तो ये है सॉलिड लिक्विड और गैस की एग्जांपल। तो हम देखते हैं, अगर हम इस सॉलिड वाली सिरिंज को अप्लाई प्रेशर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लंजर पिस्टन, तो ये अपना वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करेगा। दैट मीन्स सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसेबल। इसी तरह आगे आते हैं लिक्विड स्टेट पे, वाटर लिया है हमने, इस पे भी हम थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, बहुत ही कम, मतलब निग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो हम यहाँ पे भी कहेंगे लिक्विड्स आर हार्डली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी इन दोनों में नहीं पाई जाती है। जबकि अगर हम एयर वाले सिरिंज पे प्रेशर अप्लाई करें तो हम आसानी से इसको वॉल्यूम रिड्यूस करवा सकते हैं। तो वी से दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल, इनफैक्ट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी गैसेस की। तो आगे देखेंगे हम, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है गैसेस हैव लो डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? वैसे तो डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस को हमने डायग्रामेटिकली दिखाया है, हमने हर तीनों जगहों पे हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है ये क्यूबिकल शेप में। तो यहाँ पे सॉलिड में हम देख रहे हैं इसी वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, और लिक्विड पे आते हैं उतना ही वॉल्यूम सेम है लेकिन पार्टिकल्स थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, और गैसेस में तो हम देख रहे हैं सिर्फ 3 पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस वॉल्यूम में। मतलब अगर हम इस फार्मूले के अंदर इन तीनों को डाल दें, मास सॉलिड में हम देखेंगे मास बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम सेम, लिक्विड में मास थोड़ा कम हो जाता है और गैस में मास सबसे ज़्यादा कम होता है। तो डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो मास तो यहाँ पे कम हो रहा है, दैट मींस डेंसिटी भी कम होगी, वॉल्यूम फिक्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो गैसेस पार्टिकल्स या गैस जो होती है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, दैट मींस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कम मैटर पाया जाता है जब कोई भी पार्टिकल गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो यही है मतलब गैसेस है लो डेंसिटी। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को हम कंपेयर कर सकते हैं इस ऑर्डर से, सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, तो गैसेस हैव द लीस्ट डेंसिटी।
तो ये थी चौथी प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। कहती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसेस स्टेट इज क्वाइट हाई। जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस पार्टिकल की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस की डायग्राम दी हुई है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, बस वही उतना ही इनके अंदर मोशन होता है। जबकि हम लिक्विड पार्टिकल पे आते हैं तो लिक्विड पार्टिकल थोड़ा सा मोशन दिखाते हैं, मतलब विद इन द बल्क ये कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर पोजीशन फिक्स होती है, लिक्विड पार्टिकल के अंदर पोजीशन फिक्स नहीं होती है। लेकिन लिक्विड को छोड़कर भी लिक्विड पार्टिकल जाते नहीं हैं। जबकि गैसेस पार्टिकल में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इनमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। हाई मोशन दिखाते हैं ये, हर किस्म का ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑल काइंड ऑफ मोशन इज़ प्रेजेंट इन द गैसेस पार्टिकल। और जब तक ये किसी कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रहते होते हैं तब तक उसमें जो ही हम उसको ढक्कन खोल देंगे या किसी भी तरह का लीकेज हो जाएगा तो गैसेस पार्टिकल अपने कंटेनर को छोड़ देते हैं। जबकि लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने समझा गैसेस पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। इसका मतलब है जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये लगातार मूव करते रहते हैं हर डायरेक्शन में, ये इधर की तरफ इधर की तरफ। इस एरो का मतलब है कि इनके मोशन जो है ये हर डायरेक्शन में है, रैंडम मोशन दिखाते हैं। तो इसी मोशन की वजह से ये कोलाइड करते हैं, इनके सामने जो भी आता है वो उसके साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। तो जब ये किसी कंटेनर के अंदर होते हैं तो इनसाइड जो वॉल होती है उस कंटेनर की, उस पे जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो लगातार कोलाइड या टकराव करते रहते हैं। उस कोलिजन की वजह से उस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई होता है। तो इस तरह से हमने समझा गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है पिस्टन जो होता है किसी सिलेंडर के ऊपर, जो पिस्टन होता है जब उसको हम अप्लाई करते हैं फोर्स, हमें फोर्स लगाना पड़ता है इसलिए क्योंकि अंदर से जो गैसेस पार्टिकल है वो उसको बाहर की तरफ धकेल रहे होते हैं कंटिन्यू मोशन की वजह से। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है साइमल्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंसेस। दो चीज़ें ली हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंटेनर लिया है, इसमें दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है और बीच में एक स्टॉप कॉर्क है। इस टाइम फर्स्ट में स्टॉप कॉर्क जो है ये क्लोज है, स्टॉप कॉर्क जैसे नल टेप जो होता है, जो यहाँ पे भी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक बल्ब में हाइड्रोजन गैस है, हमने इमेजिन किया है, मान लो हाइड्रोजन गैस वाइट कलर की है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है इस साइड और इसका कलर रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड में हम स्टॉप कॉर्क को ओपन कर देते हैं तो हम देखते हैं थोड़े ही टाइम बाद विद इन अ सेकेंड ये इस ऑक्सीजन वाले पार्टिकल्स, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साइड आ रहे हैं और हाइड्रोजन वाले उस साइड जा रहे हैं। और थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कंप्लीट मिक्सिंग, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गई है। ये सब होता है खुद ब खुद क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हर टाइम मूवमेंट करते रहते हैं। तो इनको जो ही हमने स्टॉप कॉर्क खोल दिया तो ये खुद ब खुद लेफ्ट हैंड साइड की गैसेस राइट हैंड साइड हो गई और वाइस वर्सा, और इस तरह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग खुद ब खुद हो गई। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी पाई जाती है, जैसे कि अगर हम वाटर का एक बीकर में वाटर लेंगे और वाटर के सरफेस पे हम एक दो ड्रॉप्स किसी डाई के डाल देंगे, कलर डाई के, तो थोड़े टाइम के बाद वो डाई खुद ब खुद मिक्स हो जाती है। बिना अगर हम उस वाटर को शेक भी ना करें फिर भी ये खुद मिक्स हो जाएगा और एट लास्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स हो जाता है। ये लिक्विड में भी डिफ्यूजन पाया जाता है लेकिन कम लेवल पे, मतलब उतना तेज़ी से नहीं होती है डिफ्यूजन जितना कि गैसेस में डिफ्यूजन होती है। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये थी
सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस गैसेस तो इन सेवन प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका आंसर देने की। मैंने कल आपको पढ़ाया था ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उन ट्रांजिशन उन प्रोसेस का कुछ नाम था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने उधर पे ए बी सी डी ई एफ करके लिखा है, तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट्स में इन सब का नाम लिखें कि ए पे क्या आएगा, कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे ए प्रोसेस ये क्या कहलाता है, इसी तरह जो बी प्रोसेस है इसका क्या नाम है, सी प्रोसेस का, डी प्रोसेस का, इसी तरह ई और एफ। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वेल, इट इज हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ड्यू टू कोरोना वायरस वी हैव ब्रेक द सिचुएशन एज अर्लियर इट वॉज, बट टाइम नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। बट इट डजंट मीन दैट वी शुड गो आउट एंड प्रिपेयर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute. Best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.